Hello everyone, in this video we will discuss about dihalogen derivatives. Okay, so dihalogen derivative means dihalogen vyutpan. What is the mean of dihalogen vyutpan? चलिए देखते हैं. डाई यानी कि दो, हेलोजन आपको पता है हेलोजन किसे कहते हैं CLBRI. हेलोजन को हम एक्स से डिनोट करते हैं. एक्स का मतलब CLBRI ही होता है. व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है? व्युत्पन्न यानी कि दो, जब दो हाइड्रोजन परमाणु दो हेलोजन परमाणु से परमाणु में प्रतिस्थापित हो जाते हैं तो उन्हें हम व्युत्पन्न कहते हैं. अब प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है? यानी हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन परमाणु को हटाकर खुद उसकी जगह ले लेता है, उसे हम प्रतिस्थापन कहते हैं. ओके, अब डाई हेलोजन व्युत्पन्न को हम डाई हेलो एल्किन व्युत्पन्न भी कहते हैं. अब बात आती है कि हेलो एल्किन क्या होता है. हेलो एल्किन का सूत्र आपको पता है CnH2n प्लस टू एक्स. अब यहाँ से 2H निकल जाता है और हमारा बचता है CnH2nx. एक्स यानी कि हेलोजन. ओके, दूसरे एग्जाम्पल से हम समझते हैं. CH4 प्लस Cl2 मीथेन और क्लोरीन. अब यहां से 2H निकल जाएंगे और यहां बचेगा CH2Cl2. ओके, इसका नेम होता है डाइक्लोरोमीथेन. अब बात आती है डाई हेलोजन व्युत्पन्न के टाइप्स की, तो देर आर टू टाइप्स. नंबर वन, जेमिनल या जेमडाई हेलाइड. जेमिनल या जेमडाई हेलाइड बोथ आर सेम. अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेमिनल या जेमडाई हेलाइड? जब दो हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं तो वे जेमिनल या जेम स्थिति में कहलाते हैं तथा ये यौगिक एल्किलीडीन डाई हेलाइड या जेम डाई हेलाइड कहलाते हैं. अब इसे सिंपल वे में हम बात करें तो जेमिनल यानी कि हेलोजन परमाणु, जब कोई भी हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है उसे जेमिनल कहते हैं. एग्जाम्पल CH3CH2CHCl2. अब जब हम इसका स्ट्रक्चर खोलते हैं तब देखते हैं CH3CH2CH. अब एक ही कार्बन, यहाँ देखिए एक ही कार्बन है, इससे दो हेलोजन जुड़े हुए हैं आपस में. तो डेफिनेशन, जब हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन परमाणु पर जुड़ा होता है उसे जेमिनल या जेम डाइहेलाइड कहते हैं. ओके, इस कंपाउंड का नाम है 1,1 डाइक्लोरोप्रोपेन. अब बात आती है नंबर दूसरा एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं CH3CH2, जिसे हमने यहाँ खोल दिया CH3CH Cl Cl, एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े हुए एथिलीडीन डाइक्लोराइड. ओके, एंड सेकंड टाइप विजिनल या वेगडाई हेलाइड. जब दो हेलोजन परमाणु निकटवर्ती कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो वे विजिनल या विक स्थिति में कहलाते हैं. ये यौगिक एल्कीन डाइहेलाइड या विक डाइहेलाइड कहलाते हैं. एग्जाम्पल CH2Cl CH2Cl एंड CH3CH Cl CH2Cl. इसका नाम है एथिलीडीन डाइक्लोराइड और इसका नाम है प्रोपिलीन डाइक्लोराइड. ओके, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं विजिनल, यानी इसका एग्जाम्पल है CH2Cl CH2Cl. ओके, CH3CH Cl CH2 Cl प्रोपिलीडीन डाइक्लोराइड. ओके,
अब क्या होता है कि विजिनल और विग डाई हैलाइड को एक सिंपल डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। हेलोजन परमाणु अपने पास वाले कार्बन से जुड़ा होता है, भिन्न भिन्न कार्बन यानी कि अलग अलग कार्बन से जुड़ा होता है, लेकिन वो दोनों कार्बन आपस में पास पास होते हैं। उन्हें विजिनल या विग डाई हैलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल CH3CH2, सिंगल बॉन्ड CL, सिंगल बॉन्ड CHCl, सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पास वाले कार्बन परमाणुओं से हेलोजन जुड़ा होता है, और हेलोजन अलग अलग कार्बनों से जुड़ा होता है। यहाँ CH से एक हेलोजन जुड़ा है और इस CH से दूसरा हेलोजन जुड़ा है। ओके, सो इसका IUPAC नाम होगा 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। ओके, एंड थर्ड पॉइंट, जब कार्बन श्रृंखला के प्रत्येक सिरे के कार्बन परमाणुओं से एक हेलोजन परमाणु जुड़ा होता है तो अल्फा ओमेगा स्थिति में कहलाते हैं, तथा डाई हेलोजन यौगिक अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड या पॉलीमेथिलीन डाई हेलाइड कहलाते हैं। एग्जाम्पल CH2Cl, CH2CH2, CH2Cl, अल्फा ओमेगा टेट्रामेथिलीन डाइक्लोराइड। एक नोट पॉइंट भी है, डाई हेलोजन व्युत्पन्नों को पॉली हेलो एल्किन भी कहते हैं। थैंक यू एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एंड अगली वीडियो में आपके साथ डाइक्लोरोमेथेन या मैथिलीन क्लोराइड बनाने की विधियों को डिस्कस करेंगे। ओके।